ने थोड़ी बनाया घर, घर मेरे आदमी ने बनाया, मेरे आदमी ने 24 साल देश की सेवा की है। ये उस माँ का रोना है जिसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। क्यों बुलडोजर से गिराया गया? क्योंकि उसके बेटे का नाम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या में शामिल है। 5 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपियों में प्राइम शूटर रोहित सिंह राठौर का नाम आया। रोहित जयपुर के खातीपुरा इलाके में रहने वाला है। केस में नाम आया और छानबीन शुरू हुई। तब प्रशासन को पता चला कि रोहित का एक घर जो खातीपुरा के सुंदरबन कॉलोनी में है वो अवैध है। जयपुर नगर निगम की टीम वहां पहुंची और पूरे दल बल के साथ मकान को धराशायी कर दिया। ये सब देख रोहित की माँ ओम कंवर बिलख बिलख कर रोने लगी। बच्चों सहित पूरा परिवार बुलडोजर की कार्रवाई देख घबरा गया। वो टीम से तोड़फोड़ रोकने की इल्तिजा करने लगे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। आरोप है कि मकान तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया। वहीं जयपुर नगर निगम का कहना है कि घर का करीब 100 फीट निर्माण अवैध था। जयपुर पुलिस से बयान में कहा, जयपुर के खातीपुरा इलाके में मौजूद रोहित सिंह राठौर का अवैध निर्माण ग्रेटर नगर निगम ने नेस्तनाबूद कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। रोहित राठौर की बहन को भी जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस गोगामेड़ी हत्या केस की जांच में जुटी हुई है। आपके लिए ये सारी जानकारी मेरे साथी नावेद ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आप इस वायरल वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।